किशोर जगत CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला किशोर जगत। इस श्रृंखला के अंतर्गत आइए सुनते हैं राजस्थान की लोक कथा ठाकुर का भूत। पुराने जमाने की बात है, शायद राजस्थान के आसपास की, जहां गांव के एक ठाकुर की ठकुराई बहुत बड़ी थी। अमीर लोगों की देखा देखी उनके रहन सहन की होड़ करने से प्रजा की मुसीबत और बढ़ गई। उनसे लगान बहुत अधिक मांगा जाने लगा, लोगों का जीना दूभर हो गया। परंतु पुरखों का गांव छोड़कर जाएं कहां, इतनी हिम्मत कहां थी। इसीलिए ठाकुर के अत्याचार सहते रहे। किंतु ये सब ज्यादा दिन न चल सका। भरी जवानी में ठाकुर की मृत्यु हो गई। देह तो भस्म हो गई, मगर उसकी आत्मा ने गांव की सीमा नहीं छोड़ी। जल्दी ही पूरे इलाके में बात फैल गई कि ठाकुर भूत बनकर ठौर ठौर दिखाई पड़ता है। उस गांव में हजार मन के खलिहान का एक ही किसान था, और वो था गांव का चौधरी। पर वो भी ठाकुर के अत्याचार से पीड़ित था तथा अत्यंत दयनीय दशा में था। अब की बार फसल सही हो इसका शगुन मनाने गांव का चौधरी अपने खेत के लिए रवाना हुआ। रे भाया मारे खेत में, रे भाया मारे खेत में हवा चली आई, खुशी लेके आई मारे खेत में। क्यों भाया, बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ भाई माधो, अब ठाकुर की चाकरी न रही, अब तो अपने खेत में अपनी मेहनत से अपनी फसल उगाऊंगा। ठीक कहते हो चौधरी, हम किसानों को मेहनत से प्यार हो है जी, लेकिन भैया बेगारी तो ना करी जावे। और क्या जी, मेहनत का फल तो चाहिए ना। इब खेत देख के तो मेरी हड्डी कुड़मुड़ावे कि कब हल जोतू, कब फसल उगे। तो चला मैं भी भैया। अच्छा रोटी साथ ही खावेंगे। हाँ ठीक है माधो, मैं तेरा धोरे आऊंगा। ठीक है। चौधरी सिर पर टोकरे में बाजरे की 5 रोटियां, ग्वारफली का साग और ठंडे पानी की बुगती उठाए अभी खेत की मेड़ तक ही पहुंचा था कि रे भाया मारे खेत में, रे भाया मारे खेत में हवा चली आई। चौधरी चौधरी, मेरे खेत में सफेद कपड़े पहने कौन खड़ा है? राम राम भाई, कौन हो तुम? बहुत अकड़ आ गई है रे, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि गांव के मालिक को इतनी जल्दी भूल जाएगा। अभी तो मरे हुए 3 पखवाड़े भी पूरे नहीं हुए। ये तो ठाकुर का भूत है। अरे राम राम, ये मैं आज यहाँ क्यों आ गया? अन्नदाता, शक तो मुझे भी हुआ था, फिर सोचा आप तो स्वर्ग में राज कर रहे होंगे। चौधरी, मैं जब तक जिया राज किया, जी जी। अब राज करने की इच्छा नहीं है,
तू माने भले न माने, परंतु सच्ची बात तो ये है कि अपने किसानों की भलाई के लिए मैंने स्वर्ग का राज भी कबूल नहीं किया। जब तक जिया तुम लोगों को बहुत दुख दिया, लेकिन अब भूत बनकर तुम्हारे खेतों की रखवाली करूंगा, कुछ तो बोझ हल्का हो। आपने श्रीमुख से फरमाया, यही बहुत है अन्नदाता, पहले ही बहुत एहसान है आपके हम पर। नहीं नहीं, कोरी बातों से क्या होता है, मैं सच में तुम्हारा एहसान चुकाना चाहता हूँ। अरे ना ना ठाकुर ना। नहीं रे चौधरी, जैसे भी बन पड़े तुम लोगों के कुछ काम आ सकूं तो कुछ शांति मिले। मालिक बोल चौधरी, आए बरस कितना बाजरा होता है? आपसे कुछ नहीं छिपाया अन्नदाता, बरसात अच्छी हो तो हजार मन से कम नहीं होता। पर उस समय तेरे 100 मन भी मुश्किल से हाथ लगता था, आज जी बहुत कलपता है। मैंने तुम लोगों पर कैसी कैसी ज्यादतियां की, मेरा कहा मान, इस बरस खेत में जुताई मत कर। अरे नहीं 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 मालिक, उल्टे पांव लौट जा। नहीं नहीं मालिक, वो कार्तिक मास में 2000 मन बाजरा पैदा करने का जिम्मा मेरा, मालिक मुझे एक दाना भी हिस्सा मत देना। नहीं 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 अन्नदाता, ऐसी कमाई से राम बचाए। अन्नदाता, आपके मुंह से ऐसी अमृत वाणी सुनकर ही मुझे 2000 मन तो क्या, 1,00,000 मन बाजरा मिल गया। बिना मेहनत का धान हमें पचेगा नहीं अन्नदाता। तेरा मतलब ठाकुरों को दूसरों का माल पचता है, हम हराम की खाते हैं? नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। ऐसी बात अपने मुंह से कैसे कह सकता हूँ भला, मुंह उधार का थोड़े ही है जो मालिक को ऐसे कुबोल बोलूंगा। आप बड़े आदमियों का तो काम ही आराम फरमाना है, आपने अपने श्री मुख से फरमा दिया, इतनी दया बहुत है मालिक, बस इसी तरह आप अपनी कृपा बनाए रखें। दया से क्या होता है, तेरे लिए कुछ भी करके दिखाऊंगा मालिक। तुझे खेतों में पांव रखने की जरूरत नहीं, घर बैठ 2000 मन बाजरा हाथ लगेगा। हाँ। मालिक तुम किसान लोग भी एक बार आराम का दुख उठाओ तो सही है? हम तो पीढ़ियों से ये दुख उठा रहे हैं। मालिक मालिक ठीक है मालिक, ठीक है जैसा आप कहें, ठीक है अन्नदाता, ठीक है। ठाकुर के भूत की बात सुनकर चौधरी दुविधा में पड़ गया, ना तो बिना मेहनत के बाजरा लेना चाहता था, ना ही भूत से विवाद करना चाहता था। चौधरी ने घर आकर सारी बात चौधराइन को बताई। चलो राय, ये बात है सारी, मैं क्या करूं? क्या? ये ठाकुर का भूत भी पीछा ना छोड़े हमारा, नहीं चाहिए हमें हराम का एक भी कुदाना ना चाहिए। 7 पीढ़ियों तक आलस ना पीछा छोड़ेगा हमारा, इससे तो भूखा मरना अच्छा है। अरे तुम्हें तो इतना भोला नहीं जाना था मैंने, ठाकुर ने जीते जी क्या हमें कब दुख दिए, जो मरकर उसका भूत हम पर मेहर करेगा। सुन लो, तुम्हें हो तो हो, मुझे तो मरकर भी भरोसा नहीं होता। अरे अरे भगवान, भूत के आगे कैसे कैसे पहलवानों को भी भोला बनना पड़ता है। अरे बात तो मेरे भी गले नहीं उतरी, पर क्या करता, बिफर गया तो हमारे जवान बेटे को कुछ हो हवा ना जाए, ये सोच कर मैं चुप कर गया। कुछ हो गया मेरे बेटे को तो क्या होगा, कभी तो भगवान ने कहीं कुछ हो। पति पत्नी ने जैसे तैसे अपने मन को समझाया। इधर उतरते आषाढ़ इंद्र भगवान की मेहर से खूब वर्षा हुई।
गांव के सारे किसान अपना हल लिए खेतों की ओर चल पड़े। गांव का चौधरी भी गुनगुनाता हुआ अपने बैल जोतकर खेत की ओर रवाना हुआ। रे बाबा भलेरी रुत आई मारा देश में, रे भलेरी रुत आई मारे देश में, रे बाबा। अरे ये ठाकुर का भूत तो वही खेजड़े यानी कांटेदार पेड़ के नीचे ही खड़ा है। अरे राम 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 जी, कैसे इससे छुटकारा मिलेगा कैसे? अरे इतना मना किया फिर भी हल जोतने आ गया। अरे मालिक मालिक, सच कहूं तो मैं आज तक कभी ठाला नहीं बैठा। बरसात होते ही काम करने के लिए मेरी नस नस टूटने लगती है मालिक। टोटके के लिए ही सही खेत में थोड़ी बहुत लकीरें खींचने दे, हल चलाने दे अन्नदाता। ना ना, इस बरस तो तुझे खेत में पांव भी नहीं रखने दूंगा। माने मालिक मैं अब पता चला कि खाली ऐश करना कितना मुश्किल है। तू तो इतने से ही हार गया। दाद दे हमें कि हम ठाकुर मुंह की मक्खी भी नहीं उड़ाते, नौकर रखने पड़ते हैं। जी जी जी, ये तो हमारा कलेजा था जो हम चुपचाप गुलछर्रे उड़ाने का दुख झेलते रहे, कभी उफ तक नहीं की। जी, हाँ। जी, 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 मालिक, जी, जी, भूत के आगे चौधरी की दाल नहीं गली, उल्टे पांव लौटना पड़ा। लोग बाग उससे अनजुते खेतों के बारे में पूछते तो वो टाल जाता। गांव के सभी खेत हरे हरे लहलहा रहे थे। लेकिन गांव के चौधरी का खेत उजाड़ था। वो बहुत दुखी था। भूत से छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के उपाय सोचने लगा। उसने सोचा, तीसरे पहर खेत में जाऊंगा, हो सकता है तब भूत वहां ना हो। अरे वाह वाह वाह, आज तो ठाकुर के भूत को चकमा दे दिया, आज जरूर मैं अपने खेत जोतूंगा। नहीं है नहीं है ठाकुर चौधरी। चौधरी सरकार, आप अन्नदाता पूरी कांकड़ में हरियाली तिप तिप कर रही है लेकिन मेरे खेत एकदम कोरे, मालिक बिना बोए कैसे पैदावार होगी? अरे चुप। अरे मालिक, अभी तो हराम की उपज हाथ भी नहीं लगी उससे पहले ही तू हाय हाय करने लगा। ये हंसी खेल नहीं है, ये तो हम ही लोगों की वज्र छाती थी जो पीढ़ियों तक दूसरों की मेहनत डकारते रहे और चू तक नहीं की। मालिक, अभी भी कटाई के बाद काफी काम बाकी है, कुछ तो मेहनत की आदत पूरी करूं। अरे दो के बदले 4000 मन बाजरा दूंगा। लेकिन काम का नाम मत ले। तू समझना चौमासे बीमार ही पड़ा रहा। जी चौधरी ने हर उपाय कर लिया पर भूत टस से मस नहीं हुआ। अगले दिन वो फिर खेतों पर गया। अरे आज क्या बताओ क्या हो गया सारा। चौधरी फिर आ गया तू। मालिक बिना काम हड्डियां दुखती हैं मेरी। चौधरी सोच तो सही,
मोटे मोटे गद्दों पर सोते सोते हमारी हड्डियों का क्या हाल हुआ होगा। हमने कभी नाक में बल तक नहीं डाला, तुझे इतने कम आराम से नानी याद आ गई। हुकम हुकम, तू चिंता मत कर, बाजरा मोतियों के दाने जैसा दूंगा। चौधरी क्या करता, चुपचाप घर लौट आया। 3 दिन तक चौधरी मुंह लटकाए झोपड़ी में बैठा रहा। 4th दिन वो फिर मचान के नीचे जा पहुंचा। अदुकाता, भाई बाप, मालिक मेरी बात ना माने तो मैं आत्मघात कर लूंगा। आप यही खलियान में बाजरे का ढेर लगा दो मालिक, कम से कम गाड़ियां जोतने का काम तो मैं कर सकूं। चौधरी, दुनिया में पागल तो बहुत तेरे देखे, पर तेरे जैसा नहीं देखा। मुझे विश्वास हो गया कि मैं वायदे के मुताबिक बाजरा दूंगा। जी जी जी। बगले, जब तक जिया तुम लोगों को दुख दिया, अब मरकर सुख दिया तो नरक नहीं जाऊंगा। मैं ये वादा नहीं करता तो तू खेती किए बिना मानता थोड़े ही। इस इलाके में तेरी सबसे अच्छी फसल होती, मैं ये सब नहीं देख सकता था। अब पति पत्नी सपने में बाजरा देखना। बाजरा। निहाल कर दिया अन्नदाता, निहाल कर दिया। अब कहीं दुख का पहाड़ सर से उतरा। जीता रहा तो ढेरों बाजरा उपजाऊंगा। चौधरी कई दिनों के बाद उस रात ठीक से सोया, सुहाने सपने देखे। सपने में उसने बहुत काम किया, करते करते पसीने से नहा गया और उसके पसीने से अनगिनत मोती पैदा हुए। ठाकुर का भूत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन डॉक्टर कामिनी भटनागर, आलेख वंदना चौहान, कलाकार मंजू मैनी, कीमती आनंद, शांति एस कालरा, सुनील कुमार लोहिया और ममता मलकानी, संगीतकार हरभजन सिंह, तकनीकी नियंत्रण सतीश लाडे, ध्वनिंकन बटी लैंगलिंगडो तथा निर्माण ध्वनि संपादन एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।